मॉर्निंग गाइस, तो आज मैं निकल रहा हूँ इस सिक्किम पर और हमने ये कैब किया है। ये हमारे ड्राइवर मिस्टर दिलीप दा है। दिलीप दा जरा इधर देखें, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ले जाने का वादा किया, सारा कुछ दिखाएंगे ये। और आज हम कवर करेंगे छंगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर। तो दोस्तों बने रहे। और आज जो था नाथुला पास जाने का हमारा ये था, लेकिन एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से आज नहीं जाना होगा, वो हम अगले दिन जाएंगे। दोस्तों हमारी जर्नी इस सिक्किम की स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना था ड्राइवर को, तो उसने 10 मिनट के लिए गाड़ी का स्टॉपेज दिया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी दिखाया जाए। वो रही हमारी कार जो पीछे में है, और बाद बाकी मैं यहाँ का व्यू आपको दिखा देता हूँ अपने कैमरे से। देखिए कितनी खूबसूरती यहाँ के नेचर में, आपको आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से जाने के। पहाड़ जो है बादलों से ढका हुआ है बिल्कुल। और आप आएँ, आप वक्त निकालें, काम तो हमेशा ज़िंदगी में इंसान को रहता ही है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर कभी इन सब टूरिस्ट प्लेस पर भी आएँ। और अभी अब आना आसान हो गया, अगर आपने दोनों वैक्सीन ले चुका है, ले लिया है, तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर पार्शली वैक्सीनेटेड यानी सिंगल डोज लिया तो आपको RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना होगा, और वो आपका चेक पॉइंट पर चेक होगा और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं इसके व्यू का। दोस्तों तो आ गया हूँ मैं अभी छंगू लेक के पास, और ये जो है आपको 12,000 फीट पे ऊपर है। तो आइए मैं आपको आगे का व्यू आपको दिखलाता हूँ। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, अभी जो ये लेक है ये जमा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो ठंडा लग रहा था, तो हम लोगों ने जैकेट पहन ली। यहाँ पे थोड़ा कीचड़ है, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ से देख सकते हैं, और ये रहा आपका छंगू लेक। और काफ़ी टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन अभी चूँकि ऑफ सीजन है और कोविड लेके कुछ प्रोटोकॉल्स है जिसकी वजह से लोग आ नहीं रहे हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, और आप देख सकते हो बहुत सारे याक भी यहाँ पर, आप इन पर बैठकर सवारी भी कर सकते हो। फ़ोटो खिंचाने के साथ 100 से 150 रुपये लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा आर्मी का, इंडियन आर्मी का ट्रक जो यहाँ पर अपनी सेवा देते हैं, और काफ़ी मस्त रहता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, कमी है, क्योंकि अभी कोरोना का था तो अभी खुला है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के पास कोविड वैक्सीनेशन नहीं है तो वो लोग फ़िलहाल तो नहीं आए अभी। बाद बाकी आप देख सकते हैं छंगू लेक, यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो देखिए ये है जन्नत के नज़ारे, आप देख सकते हैं कितना मस्त लेक, और काफ़ी नामी है ये, और बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी कोविड का सीन है और ऑफ सीजन में इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे। तो देखिए कितना मस्त लेक है, कभी भी आए टूरिस्ट अपने फैमिली के साथ है और यहाँ पर घूमें और मज़ा लें यहाँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने सिक्किम का जो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहन लिया, और यहाँ पर ये छंगू लेक के पास मिलता है, और यहाँ पर पेमा जी हैं, उन्होंने हमें ये दिया, और काफ़ी किफ़ायती रेट में, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेंगे ये, और कम ही पैसे में आपको सब कुछ करा देंगे। तो आप आएँ कभी भी, इन लोगों पे याक पे बैठें और जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी पहने। और ये थे महाशय जिन्होंने हमें याक पर चढ़ाया। अपना नाम बता दो भैया। हमारा जंगबू शेरपा। जंग क्या फिर से बता दो? जंगबू शेरपा। जंगबू शेरपा। और ये मेरा फ्रेंड आशीष था। हेलो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, ट्रैवल अब्रॉड। और अभी आप इनके भी बहुत सारी वीडियोस देखने वाले हैं। सूरत आप देख सकते हैं, ये वादियाँ पहाड़ हैं, और अभी चूँकि टूरिस्ट भी कम हैं, और अब मैं आपको इधर का नज़ारा दिखा देता हूँ। कसम से भाई आएगा दिल, कभी भी टाइम निकालो अपने प्रोफेशनल वर्क से, टाइम निकालो, मोबाइल फ़ोन को रखो, लैपटॉप को रखो, और वक्त निकालो भाई अपने फैमिली इंजॉय करो थोड़ा सा। यह 4 दिनों की ज़िंदगी है, यहाँ पे टाइम निकालो, घूमो फिरो, और क्या चाहिए, वरना बाद में पछताते रहोगे कि बुढ़ापे में मेरा कमर में दर्द है तो घुटने में दर्द है, घूम नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो भाई निकालना होगा और आना ही होगा। तो देख सकते पीछे लेक रहा, इसलिए दोस्तों कभी भी टाइम निकाल। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। जब से मैं आया हूँ यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत करी है, प्यार से एकदम बिल्कुल अपने मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं कि ये यूपी का, ये बिहार का, या दिल्ली का, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों आएँ, आप कभी भी टाइम निकालें, अपना मिलें इन लोगों से, घुलें मिलें, और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे आपके, रेट
अमूमन नॉर्मल ही रहता है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं वो। और ये रहा हमारे इंडियन आर्मी का कैंप, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, अपने दिन रात इस ठंड वाले मौसम में रहते हैं, हमारी सेवा करते हैं। इनको तो सल्यूट करने का मन करता है, इनको मैं यहीं से सल्यूट करता हूँ। जय हिंद। तो दोस्तों, आप भी वक्त निकालें, आए कभी भी। तो आप देख सकते हैं आर्मी का एक ट्रक आ रहा है, इनको मैं दिल से सलाम करूँगा। इन्होंने हमारी रक्षा की है, सब कुछ की है, दिल से इनको मैं सलाम करता हूँ। ठीक है, ये लोग सच में हमारे देश के वीर जवान हैं जो हमारी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी आएँ, टाइम निकालें और अपने फैमिली को लेकर कभी भी आएँ। दोस्तों, घूमना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा व्यू आपको हमेशा नहीं मिलेगा। आप वक्त निकाले, घूमे फिरे, और ज़िंदगी में भाइयों चाहिए ही क्या, थोड़ा सा तो टाइम निकालना होगा। आए यहाँ पे गैंगटॉक, और ये जो छंगू लेक है आपको, ये इस सिक्किम में पड़ता है। यहाँ का नज़ारा सच में बहुत अच्छा दोस्तों। मेरे इतनी ठंड लग रही है मुझे, जबकि अभी ठंड का मौसम भी नहीं, मेरे मुँह से भाप भी निकल रहा है। और आप वक्त निकाले, टाइम निकाले, सब कुछ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं और घूमें फिरें, अपनी फैमिली के साथ घूमें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और टाइम तो निकालना ही होगा आपको। और चलिए दोस्तों, ये रहा छंगू लेक। अब हम यहाँ से आगे के लिए निकल रहे हैं, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, और फिर हम आगे की जर्नी। अब हमारा यहाँ पे टाइम ओवर हो रहा है और अब हम यहाँ से बाबा हरभजन सिंह मंदिर की ओर जाएंगे और फिर वहाँ पे आपसे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 5 मिनट के लिए रुके थे क्योंकि हमें ठंडी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी पिया, मैं, मेरा फ्रेंड और हम, हमारे जो ड्राइवर थे दिलीप दा, उन्होंने भी हमारे साथ कॉफ़ी एंजॉय किया। काफ़ी मज़ेदार जर्नी अब तक चल रही है और दिलीप दा हमें सारी जानकारी, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है वो बताते जा रहे हैं। और आपको कभी भी जाना हो गैंगटॉक या आना हो, आप दिलीप दा का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके बेहद कम प्लान जो अफोर्डेबल प्राइस है आप उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, 60 रुपये की एक कॉफ़ी परी, इन लोगों ने बहुत प्यार से हमें बनाकर पिलाए इन दोनों ने, और ऐसे टाइम में बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ। बारिश शुरू हो जाती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बता नहीं सकता आपको, आपको यहाँ खुद आकर यहाँ का व्यू एंजॉय करना होगा। वीडियो में तो मैं आपको दिखा ही दूँगा। आइए, और यहाँ पे बहुत हिसाब से भाई साहब चलना होगा। मुझे तो पता चला, मैं कैमरे की ओर देख रहा हूँ, नहीं, और पता चला मैं, भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो भाई, यहाँ से अब मैं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं भीग भी गया हूँ। मेरा जैकेट आप देख सकते हो, पानी से भीगा हुआ है, और कैमरे का भी खतरा है कुछ हो ना जाए। हालांकि वाटर प्रूफ है, लेकिन फिर भी डर तो लगा रहता है भाइयों। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अब अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त करूँ और फिर वापस अपने होटल जाऊँ।